तो गाइस स्वागत है आपके अब न्यू चैनल में दीपक। बाकी जो है जॉन डियर जो है 50-50D शक्तिमान का रोटरवेटर जो है दोनों चीज़ें आ चुकी हैं अपने खेत में। अपन ने अपना जो रोटरवेटर है ना, अपना जो रोटरवेटर है उसका जो है फिर से, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, बैरिंग जो है उसका फिर से एक बार फिर टूट गया। तो बस अपन जो है फिर उसको रख दिया, तो अपन उसको जो है अच्छी जगह ठीक कराएंगे। लेकिन अपना थोड़ा सा काम बचा था लगभग 2-3 घंटे का, तो अपन ने सोचा अपन क्रैश करा लेते। बाकी आपने देखा सुबह मैंने डीजल डाला था, तो डीजल डालते हुए आपको बताया था, तो अपन जा रहे थे रोटरवेटर लेने के लिए, लेकिन वो रोटरवेटर जो था वो चला गया था और कहीं। तो इस वजह से फिर अपन ने सोचा रेंट से बुलवा लेते हैं, क्या मतलब। तो इससे अच्छे भाई ये जॉन डियर 50-50D आया भाई, एक नंबर चला रहा है। बाकी और बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ वहीं पहुँच के पास से बताता हूँ आपको। ये भाई साहब लो दूसरे के गियर में चला रहा है, 15-16 की रेस पे चला रहा है सर। बाकी भाई ये जो है नया ट्रैक्टर है, अभी आया लगभग 1 महीना ही हुआ है, 100 घंटे चला है बस। बाकी और बताता हूँ मैं आपको। तो भाई शक्तिमान का रोटरवेटर मैंने आपको बता दिया भाई, ये देखिए। बाकी जो है चूरमा बना रहा है भाई, चूरमा एक नंबर मस्त। थोड़ा सा गील है, थोड़ी सी आल है खेत में, इस वजह से थोड़ा जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा, नहीं तो धूल उड़ती। बाकी जो है ये लो पहले ही में चल रहा है, मतलब अभी मैंने लो पहले में करवाया, पहले लो दूसरे में कर रहा था, तो ये देखिए इतने बड़े बड़े डीमे हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने लो पहले में करा दिया। तो बाकी ये देख लिए अच्छा हो रहा है भाई एक नंबर, जितना अपना लो दूसरे में चलता है इसने इतना ये लो पहले में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बाकी और बताता हूँ मैं आपको। जैसा है आप देख रहे हैं ऐसा चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है, एक नंबर परफॉर्मेंस है भाई जॉन डियर की और शक्तिमान रोटरवेटर। बाकी चल तो बढ़िया रहा भाई एक नंबर, मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। बाकी बस ये है, ये वाला जॉन डियर पता नहीं क्यों ये V10 है। बाकी जो मैं ले गया था ना उस दिन वो था V7, तो वो बैठता नहीं, ये थोड़ा सा बैठ रहा है। लेकिन रोटरवेटर में तो भाई सभी ट्रैक्टर थोड़ा बैठते हैं भाई। और भाई से मैंने पूछा था कैसी क्या माइलेज है, तो भाई बोल रहे थे लगभग 5-5.5 लीटर खा रहा है भाई अभी जॉन डियर 50-50D, और ज़्यादा भी खा लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन 5 से कम नहीं खा रहा, 5 लीटर पर घंटे। ठीक है सर, मैं आपको और बताता हूँ जैसा होता है। तो गाइस बढ़िया कर रहा है भाई ये, बाकी थोड़ा बहुत काम और बचा है अपना आधे घंटा का, बाकी जो है लगभग हो गया अभी, मैं बताता हूँ आपको, 1 घंटा अभी नहीं हुआ, 1 घंटा होगा 10 मिनट बाद, 1 घंटा हो जाएगा। और 1 घंटे में जो है लगभग अपना काम सिमट गया, मेरे हिसाब से 1 घंटे का काम और बचा होगा, तो बस 2 घंटे लगे हुए। बाकी इससे अपने से ज़्यादा इसमें रोल की, और अपना अगर करता 485 तो उसमें लगता लगभग मेरे हिसाब से 3-1 घंटे के आसपास, 1 घंटे का फर्क आ गया भाई इसमें। अब इसकी बात ही अलग है भाई, जॉन डियर की होड़ नहीं हो सकती। बाकी बढ़िया चला रहा है भाई। बाकी गाइस इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं अपन एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बाकी जो सही लगे वो करें। मिलते हैं अपन एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, और बाकी आप बताना कमेंट करके कैसा आपको इसका परफॉर्मेंस लगा भाई जॉन डियर का। बाकी मैंने चलाया था, मुझे भी अच्छा लगा। और हाँ सबसे बड़ी बात, इसकी जो है आवाज़ भी चेंज है थोड़ी सी, ये V10 है, इससे पहले जो मैंने चलाया था वो V7 था। इसकी आवाज तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने अभी चलाया ट्रैक्टर आपको, लेकिन बता नहीं पाया क्योंकि भाई नया नया ट्रैक्टर है, तो ज़्यादा ताई भाई रहता नहीं है, कैसे बताऊं। बाकी ये देखिए मैंने चलाया, ये वाले गाड़ा जो है पूरा मैंने किया है। बाकी अभी चल रहा है भाई, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है चलते चलते, बस 1 घंटा 10-15 मिनट हुए होंगे, क्योंकि 10-15 मिनट में मैंने ही चला दिया इस गड़े में। बाकी हाई तीसरे में तक भाई उसने लोड ले लिया और आगे बढ़ गया,
बढ़िया है। बाकी और मैं बताता हूँ फिर आपको। बाकी हाँ, वीडियो तो मैंने ख़त्म कर दी। मिलते हैं अपन एक और अच्छे नए वीडियो के साथ।